पीटीआई रकीने पार्लियामेंट ने इस्तीफों के बावजूद पार्लियामेंट लॉजेस खाली क्यों नहीं किए। इस्लामाबाद के तरक्याती इदारे CDA का एक्शन, पुलिस के साथ पार्लियामेंट लॉजेस में दाखिल। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूख हबीब के लॉज नंबर 303 का ताला तोड़ दिया, कमरे का सामान बाहर निकाल दिया। दीगर अरकान के लॉजेस खाली कराने के लिए भी असिस्टेंट कमिश्नर और मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कार्रवाई जारी। दहशतगर्दी से निमटने के लिए क्या पॉलिसी अपनानी है, कौम को हम आवाज करने के लिए क्या फैसले करने हैं। तहरीक इंसाफ एपेक्स कमेटी के इस अहम इजलास में शरीक नहीं हुई, वज़ीरे आज़म की दावत ठुकरा दी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत से साफ इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ ने एपेक्स कमेटी से खिताब में इमरान खान को निशाने पर ले लिया। बोले, एक तरफ जुर्म का बाजार गर्म करने वालों को सेटल करने को तैयार हैं, दूसरी तरफ मुल्क की तकदीर बदलने के लिए अपनों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। इस तरह के दोहरे मयार नहीं चलेंगे। कौम सवाल करती है, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के बाद ये वाकया कैसे रोनुमा हुआ। अफसोस है कि वाकये के बाद सोशल मीडिया पर बेजा इल्ज़ाम तराशी की गई। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चारों सूबों के वज़रा आला, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला, वफाकी वज़रा और हुकूमती इत्तेहादी जमातों के रहनुमा भी शरीक हुए। ₹417 अरब रुपए औसतन ये 13 साल में ये 35-36 अरब बनता है, वो कहाँ गया? कि अगर हमने CDD पंजाब में उस वक्त 2.5 अरब में बनाई तो यहाँ 4 अरब में बन जाती, 5 अरब में बन जाती। खैबर पख्तूनख्वा को मिलने वाले 417 अरब रुपए कहाँ गए? एहतसाब होना चाहिए। CTD पंजाब 3 अरब में बनी, यहाँ 4 अरब में बना लेते, 417 अरब रुपए में 10 सेफ सिटी बन जाते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर हिसाब मांग लिया, कहा इनसे दादे दहशतगर्दी के लिए मिलने वाले 417 अरब में से आधी रकम भी खर्च हुई होती तो सूबे के अवाम सुकून की नींद सोते। दहशत गर्द यहाँ किस तरह आए, कौन इनको लाया? यकीनन कौम इसका जवाब चाहती है। आपने KPK के फंड रोके हैं और KPK के इस वक्त सिर्फ 5 जनवरी तक जो है ना 230 बिलियन रुपीस जो है ना वो इस वक्त अदा करने हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल हमको भी यजहती के लिए तैयार है, हम थोड़ा हुकूमत अपना रवैये पे नजरसानी करे। PTI के असद कैसर की एपिक्स कमेटी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू की मजम्मत। KP पुलिस से मुतालिक ऐसी गुफ्तगू से गुरेज करने का मशवरा। कहा इम्पोर्टेड हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स रोक लिए, 230 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत का रवैया फस्तायत पर मबनी है, मुखालिफीन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा सूबा खैबर पख्तूनख्वा मुतासर हुआ। तहरीक इंसाफ के दौर में दहशतगर्दी पर मौसर अंदाज में काबू पाया गया। PTI दौर में बम धमाके, खुदकुश हमले या दहशतगर्दी के वाकयात नहीं हुए। दहशतगर्दी से मुतालिक तहरीक इंसाफ की पॉलिसी कामयाब रही। डॉलर आज भी 6.5 रुपए से ऊपर महंगा हो गया। इंटरबैंक में क्लोजिंग तक थोड़ा नीचे आया, दिन के अख्ताम तक 5.22 रुपए महंगा होकर 276.58 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में 7 रुपए इजाफा, $1.283 का हो गया। IMF की नई शराइत पर भी हुकूमत ने काम शुरू कर दिया। ग्रेड 17 से 22 तक तमाम सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात जमा होंगी। अंदरून और बैरून मुल्क असासे भी जाहिर करना पड़ेंगे। तमाम बैंक अफसरान और उनके अहले खाना के अकाउंट्स की तफसीलात FBR को देने के पाबंद होंगे। सरकारी अफसरान की बेनामी जायदादों की मुकम्मल रोकथाम हो सकेगी। तमाम अफसरान और उनके अहले खाना के असासे गोशवारों में जाहिर करना लाजमी करार। क्रिकेटर शाहीन शाह आफरीदी निकाह के बंधन में बंध गए। निकाह शाहिद आफरीदी की बेटी इंशा के साथ कराची में हुआ। तकरीब में कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, साबिक कप्तान सरफराज अहमद, नसीम शाह, शादाब खान और स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान भी शरीक। चेयरमैन PTI इमरान खान का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का फैसला। ज़िमनी इंतखाबात में PTI के साबिक अरकान कौमी असम्बली हिस्सा लेंगे। इमरान खान ने साबिक अरकान असम्बली को कागजात नामजदगी जमा कराने और अपने हलकों में इलेक्शन मुहिम शुरू करने की हिदायत कर दी।
शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इमरान खान ने कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने या ना लेने का फैसला अभी नहीं किया, आज एक इजलास में फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 16 मार्च को ज़िमनी इंतखाबात के लिए 33 हलकों में इलेक्शन शेड्यूल जारी कर रखा है। इससे कबल इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात में खुद हिस्सा लेने का ऐलान किया था। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र फैसला तब्दील कर लिया। इमरान खान ने घरों, दोस्तों, खानदानों को लड़ाया, बात करने का सलीका और तहजीब छीन ली। ज़हनी मरीज ने वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर झूठ, गाली और गोली को कौमी कल्चर बना दिया। मरियम नवाज ने इमरान खान को निशाने पर ले लिया। नून लीग की सोशल मीडिया टीम के इजलास में कहा, नौजवान मुआशरे में तहम्मुल, अख़लाक, भाईचारे के जज्बे उभारें, इख्तिलाफ करने वाले को दुश्मन न समझें। मरियम नवाज लीडरशिप पोजीशन में आई हैं। मरियम नवाज को स्पेस चाहिए, अगर हम वहां होंगे तो इख्तलाफ राय होगा जो किसी के लिए मुनासिब नहीं है। नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की अपने इस्तीफे से मुतालिक वजाहत, कहा कि पार्टी के उहदे से इस्तीफा दिया है लेकिन पार्टी के साथ हूँ, हमेशा इसी पार्टी के साथ रहूँगा। बोले, जब नई जनरेशन आती है तो पुराने लोगों को नए किरदार में आना पड़ता है। इमरान खान की हुकूमत के दौर में नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी को दो मरतबा वजारत उज़्मा की पेशकश की गई। ज़राए का कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया था। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग दिन न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ये पेशकश उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने एक मुश्तरका दोस्त के तवसुत से की थी। साबिक वज़ीरे दाखला शेख रशीद पर एक और मुकदमा दर्ज, कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा मरी में दर्ज किया गया। पुलिस पर असलहा तानने और एहलकारों की वर्दी फाड़ने की दफात शामिल। मरी पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस से हवालगी मांग ली। इस्लामाबाद पुलिस ने अदालत से रुजू करने का मशवरा दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त, अदालत ने रिमार्क्स दिए, थाने में तलबी का नोटिस मुअत्तल किया था, उसके तनाजुर में कोई खिलाफ वर्जी हुई है तो बताएं। अदालत ने FIR के इंदिराज से नहीं रोका था, ना आपकी इस्तेदा थी। यहाँ तो एक केस में जमानत होती है तो किसी दूसरे मुकदमे में उठा लिया जाता है। पुलिस, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। शेख रशीद के खिलाफ कराची में भी पर्चा कट गया। बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने का मुकदमा मोचको थाने में दर्ज। साबिक वफाकी वजीर दाखला आज ही कराची मुंतकिल किए जाने का इम्कान। मोचको थाने के SHO और SDPO शेख रशीद को लेने इस्लामाबाद पहुंच गए। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक कराची पुलिस ने अभी शेख रशीद की हवालगी की दरख्वास्त नहीं की। शेख रशीद के खिलाफ FIR पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा ने दर्ज कराई। कहा, शेख रशीद की गुफ्तगू से पीपल्स पार्टी के कारकुनों में इश्तियाल फैला, कारकुन सड़कों पर निकल आए जिन्हें बहुत मुश्किल से रोका। इलेक्शन कमीशन बताए कब कराएगा इलेक्शन, गवर्नर को छोड़ें आप, इलेक्शन की तारीख दे दें। लाहौर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालिमा, पंजाब में इलेक्शन की तारीख से मुतालिक PTI की दरख्वास्त पर समा। जस्टिस जवाद हसन ने कहा, आइन में दर्ज है कि इलेक्शन 90 रोज में होने हैं, इससे पहले भी माशी सूरत हाल खराब थी मगर इलेक्शन तो हुए थे। वकील, इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, कल इस हवाले से पेशरफ्त हुई। गवर्नर ने खत में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करे। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा, कोई ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन नहीं होंगे। जस्टिस जवाद ने कहा कि आप इतना काम कर रहे हैं, आप खुद इलेक्शन की तारीख दे दें। PTI की दरख्वास्त पर गवर्नर के वकील को जवाब के लिए 9 फरवरी की तारीख दे दी। पेशावर धमाके में खुदकुश हमलावर की एक और CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में मोटरसाइकिल सवार खुदकुश हमलावर को खैबर रोड से पुलिस लाइन की जानिब जाता देखा जा सकता है। तफ्तीशी टीम को खुदकुश हमलावर के बूट, पैर और हेलमेट मिल गया। CCPO के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने मस्जिद में दाखिल होने से पहले हेलमेट बाहर छोड़ा था। सानहे के बाद पुलिस लाइन की मस्जिद में पहली नमाज जुमा अदा कर दी गई। पुलिस अफसरान और दीगर अफराद की शिरकत, शहदा के लिए खसूसी दुआ।
चेयरमैन पीटीआई ने वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ को दहशतगर्दी में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। एक बार फिर हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार, कहा साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए आई इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। शहबाज शरीफ ने 10 माह में मईशत और जमहूरियत को तबाह कर दिया। बुनियादी इंसानी हकूक सलब और कानून की हुक्मरानी खत्म की, इन्हीं हरकतों की वजह से दहशतगर्दी भी फैली। किस तरीके से उसको हथकड़ियों में जकड़कर चादरें डालकर अदालतों में घसीटा कि फवाद चौधरी की छोटी बेटियां दो अपनी मां की उंगली पकड़े स्कूल नहीं जा रही, जेल के फाटक पर खड़ी हैं अपने बाप से पसे जिंदा मुलाकात के लिए। ये शर्म का मुकाम है इनके लिए, शर्म आनी चाहिए इनको जो डिफेंड करते हैं। मैं कहता हूं डूब मरो अगर इसको भी तुम डिफेंड करते हो। सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर सेनेटर्स भिड़ गए। सेनेट इजलास में तहरीक इंसाफ के शहजाद वसीम ने कहा फवाद चौधरी को चादरें डालकर अदालत में घसीटा, फवाद चौधरी की बेटियां स्कूल नहीं जा रही, जेल के फाटक पर खड़ी हैं। इस पर आबिदा अजीम ने टोक दिया कि अली वजीर की भी बात करो। जवाब में शहजाद वसीम भड़क गए, बोले अगर आप इसका दिफा करते हैं तो शर्म से डूब मरो। इस बयान पर हुकूमती अरकान ने एहतजाज किया। शहजाद वसीम ने अपने अल्फाज पर माजरत कर ली। हुकूमत की जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा, जमान पार्क पर पीटीआई कारकुनों की सिक्योरिटी आवाम के लिए दर्द सर बन गई। परेशान शहरी पीटीआई कारकुनों से उलझ पड़े, शहरियों का रास्ता देने का मुतालिबा। कारकुनों और शहरियों में झगड़े के बायस केनाल रोड पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। में रूस से खाम तेल के कार्गोज आना शुरू हो जाएंगे। मार्च के आखिर में कमर्शियल डील के मामला तय होंगे जिसमें यह तय होगा कि कितना डिस्काउंट होगा और किस करेंसी में काम होगा। रूस से कमर्शियल कार्गो के सफर का वक्त 20-21 दिन है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने सेनेट को आगाह कर दिया, कहा ईरान की पेट्रोलियम कंपनियों पर पाबंदी है, LPG और चंद पेट्रोलियम मसनूआत ईरान से बॉर्डर पर आ रही हैं, ईरान के साथ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बढ़ाना मुश्किल है। डॉलर की अदम दस्याबी और लॉजिस्टिक चेन में रुकावट के बायस एनर्जी को रिफाइनरी 8 दिन के लिए बंद, रिफाइनरी ने वजारत तवानाई को खत लिखकर मुतला कर दिया। रिफाइनरी 10 फरवरी से खाम तेल का जहाज आने पर पैदावारी अमली शुरू करेगी। इत्तलात के मुताबिक ऑयल सेक्टर में कंपनीज को पेट्रोल की दरामद के लिए LC खोलने में शदीद रुकावट का सामना है और साबिका भाई को रिफाइनरी में सिर्फ 3 से 4 दिन का खाम तेल का जखीरा मौजूद था। जराए के मुताबिक ज्यादातर रिफाइनरीज में 10 या उससे कम अरसे का खाम तेल मौजूद है। पेट्रोल मजीद 30 रुपए महंगा होने का इम्कान, पेट्रोलियम मसनूआत पर 17% GST आयद करने पर हुकूमत का गौर। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके शाम में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज में झड़प, 2 दहशतगर्द मारे गए, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है कि दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। पाक फौज मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कारबंद है। चारसदा के इलाके गुजराबाद में पुलिस मुकाबले में मारे गए एक दहशतगर्द की लाश वरसा के हवाले कर दी गई। MS डॉक्टर जहांजेब के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 2 दहशतगर्दों की लाशें रखी हैं। सुबह 4 बजे नामालूम नंबर से आने वाली कॉल में लाशें हवाले करने का मुतालबा किया गया था। अस्पताल इंतजामिया ने कहा कि रिश्तेदार आकर लाशें वसूल कर सकते हैं। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता शाम 3 दहशतगर्द गुजराबाद में पुलिस मुकाबले में मारे गए थे। वज़ीरे आला सिंध मुराद अली शाह का लेडी रेडिंग अस्पताल पिशावर का दौरा, पुलिस लाइंस धमाके के जख्मियों की आयादत की। वज़ीरे आला सिंध की पिशावर में शहदा की यादगार पर भी हाजिरी, पिशावर धमाके के शहदा के लिए 10 लाख और जख्मियों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने अगर अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की तो यह मुजरिमाना काम होगा, मुजरिमाना, ये कौम के साथ जो है वो जुर्म किया जाएगा। मैंडेट और नतीजे पर किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का 2 टोक मौकफ।
कहा जमात इस्लामी वोटों और नशस्तों के लिहाज से पहले नंबर पर है, हम हार जाएं तो कबूल करेंगे, हमारी जीत को तस्लीम किया जाए, कराची के वोट के साथ किसी का मजाक कबूल नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन अगर किसी दबाव में आएगा तो आईनी जंग के लिए तैयार हो जाए, पूरा इलेक्शन धांधली ज़दा था, तमाम ऑफिसर्स सिंध हुकूमत के थे। सिंध असेंबली में एक ही खानदान के 5 अफराद की ग्रेड 20 पर भर्ती का केस, सिंध हाई कोर्ट का हैरत का इजहार, अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से सवाल किया, कभी सुना है आपने एक ही खानदान के 5 लोगों को एक ही जगह भर्ती किया गया हो, यहाँ लोगों को नायब कासिद की नौकरी नहीं मिलती, एक ही खानदान के 5 लोगों को 20वें ग्रेड में भर्ती कर दिया, पूरे खानदान को सिंध असेंबली में बिठा दिया, अदालत में एडिशनल एडवोकेट जनरल की जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा, अदालत ने कहा आखिरी मौका दे रहे हैं, जवाब जमा नहीं कराया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। सिंध असेंबली में मुलाजमीन का मुकम्मल रिकॉर्ड 15 फरवरी को तलब। कराची के बाइकर्स को मुहिम जुई महंगी पड़ गई, जामसूर बलोचिस्तान बॉर्डर के करीब गन पॉइंट पर सयाहों को लूट लिया गया, वाकई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, एसएसपी जामसूर का कहना है कि वीडियो की मदद से मुलजिमान को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो सरदारी से अमरीकी महकमा खारजा के मुशीर डायरेक्ट चोलेट की मुलाकात, अमरीकी महकमा खारजा का पेशावर बम धमाके पर इजहार ताजियत, बयान में कहा कि अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ है, मुलाकात में पाकिस्तान के मौआशी इस्तेहकाम और सैलाब से बहाली की जानब पेशरफ्त पर तबादले ख्याल। अमरीका की इजाजत से दौरे रूस के बाद इम्पोर्टेड वजीर खारिजा फिर से अमरीका जा पहुंचे, पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी की वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो पर तनकीद, कहा कि इम्पोर्टेड वजीर खारिजा इसराइली लॉबिस्ट से शीरो शक्कर है, साजिशकार मुल्क को गहराइयों की एक खतरनाक सिलसिले की जानिब भांक रहा है। इसराइल के खिलाफ बयान देने पर कार्रवाई, मुसलमान रुकन कांग्रेस इलहान उमर को उमूर खारजा कमेटी की रुकनीत से हटा दिया गया, रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत ने एक बिल के जरिए इलहान उमर को कमेटी से अलग किया, डेमोक्रेट पार्टी के रुकन कांग्रेस ने इसराइल पर तनकीद की थी, बाद में बयान पर मुआफी भी मांगी थी। बीपीएल फॉर्च्यून बारिशल ने खलनाथ टाइगर्स को हरा दिया। और आसिफा भुट्टो सरदारी को सालगिरह मुबारक, साबिक वजीर आजम शहीद बेनजीर भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली सरदारी की छोटी साहिबजादी आसिफा भुट्टो आज 30 बरस की हो गई।